वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। मैंने मेरे एक्सपेरिमेंट चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया और उसको वहाँ पे अच्छा खासा रिस्पांस मिला है। मैंने उस चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड किया है, लिंक पिन कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो का पे अच्छा है, जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो के ऊपर आते हैं और मुद्दे की बात पे आते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि WWE के अगले फ्यूचर रिटर्न्स जो कि 2023 और 24 में होने के काफी बड़े चांस है। तो चलिए जान लेते हैं कि WWE में कौन से सुपरस्टार रिटर्न आने वाले। पर उससे पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब मत करो पर लाइक करना, लाइक टारगेट लाएगा सिर्फ 200। नंबर 5 पर लगाया मैंने एडम कोल को और उनके पूरे अनडिस्प्यूटेड एरा को। तो जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, हमारे अनडिस्प्यूटेड एरा काफी खतरनाक टीम और टैग टीम थी। अनडिस्प्यूटेड एरा ने 2019 में और 2020 में WWE की NXT की हर एक टाइटल जीती थी। तो ऐसी टीम हमारे WWE के विंस मैकमैन को जरूर चाहिए होगी, क्योंकि इनमें करिश्मा और एथलीटिज्म दोनों भरा है। तो आने वाले समय में यानी 2023 में और 2024 में हमको इनका रिटर्न जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। नंबर 4 पर रखा है मैंने क्रिस्टन केज, एक एक क्रिस्टन। तो जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, क्रिस्टन WWE एक नंबर 1 सुपरस्टार है। और जैसे कि दोस्तों आपको मालूम है, हमारे क्रिस्टन एज के काफी बड़े टैग टीम पार्टनर थे और काफी बड़े दोस्त थे। और हाल ही के एक इंटरव्यू में हमारे एज कहते हैं कि मैं मेरा आखिर का टैग टीम मैच क्रिस्टन के साथ कंप्लीट करना चाहता हूं। और इसी बात को समझा जाए तो हमारे क्रिस्टन WWE में हमको जल्दी दिखाई दे सकते हैं। नंबर 3 सामोजो। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, हमारे सामोजो WWE के नंबर 1 सुपरस्टार है। उन्होंने रिस्टोर किया है हर एक सुपरस्टार को। इनको सिर्फ दोस्तों बजट कट के कारण WWE ने रिलीज किया था। तो आने वाले समय में हमको जल्दी WWE में रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। नंबर 2 रैंडी ऑर्टन। तो दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, हमारे रैंडी ऑर्टन को रोमन रेंस ने इंजर्ड किया था और तब से हमारे रैंडी ऑर्टन WWE से गायब है। और हमारे रैंडी ऑर्टन की बैक सर्जरी भी होने वाली थी, अब वो सर्जरी हो चुकी है। उनके पार्टनर रिडल तो WWE में रिटर्न आए, अब रैंडी ऑर्टन का नंबर है। तो जल्दी हमको रैंडी ऑर्टन WWE में दिखाई देने वाले 2023 में या फिर 2024 में। नंबर 1 जॉन मॉक्सली AKA डीन एम्ब्रोस। तो जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, हमारे डीन एम्ब्रोस WWE की छपरी बुकिंग के कारण WWE को लीव कर गए थे। और हमारे डीन एम्ब्रोस ने कहा था कि मुझे WWE में अच्छी बुकिंग मिली और मुझे WWE में अच्छे खासे पैसे मिले तो मैं WWE में जरूर रिटर्न आऊंगा। और जैसा कि आपको मालूम है, मेरे जैसे कई शील्ड के फैंस यही सोचते हैं कि WWE में शील्ड कब रिटर्न आएगी। अगर दोस्तों हमारे डीन एम्ब्रोस WWE में रिटर्न आएंगे तो WWE की व्यूअरशिप भी काफी बढ़ेगी। बाकी दोस्तों, इन 5 सुपरस्टार में से WWE में फर्स्ट कौन रिटर्न आएगा कमेंट करके जरूर बताना।